1961 को वो समय आया जिसमें नए दलाई लामा को दलाई लामा की सबसे कठिन परीक्षा में बैठना पड़ा और इस कठिन परीक्षा में कई सारे बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए थे। तिनजिन ने कठिन मेहनत और बहुत ही होशियारी से परीक्षा पास की और उसके बाद उन्हें दलाई लामा की उपाधि पूरी तरह से दे दी गई।